तरह से यही सुझाव है कि अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जिन लोगों ने काम नहीं किया, यहाँ डग्गा मारी की 5 साल हैदराबाद को चरागाह बनाए रखा, दूसरे ब्लॉक के लोग यहाँ सत्ता पे काबिज थे, अब उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। टोटल गिनती में हम 25 वोट से चुनाव जीते हैं, 25 वोट से जीते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे इन लोगों ने अनैतिक दबाव बनवा के उसको 15 किया, 15 से 4 किया। चूंकि सारे बेईमान एक हो चुके थे, तो जब बेईमान एक हो जाए तो समझ लो कि कुछ ना कुछ अच्छे होने वाला है। जो कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजोए हुए थे कि रिमोट कंट्रोल से हैदरगढ़ चलेगा, तो हैदरगढ़ आत्मनिर्भर हो गया है, उन लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नमस्कार, आप सभी का डीपीपी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव मोस्ती। आपको बता दूं कि हैदरगढ़ में आखिरकार आलोक तिवारी लगातार इंटरव्यू के दौरान हमसे कहते रहते थे कि चुनाव हम ही जीतेंगे, तो हम तो लगा कि आलोक तिवारी घमंड में बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में जब कल रिजल्ट आया तो लगा कि आलोक तिवारी आत्मविश्वास से बोल रहे थे। सवाल यह है कि कल आलोक तिवारी को 4 वोटों से जीत मिली और उसके बाद लगातार जो है इनको लेकर इनके जो समर्थक हैं लगातार बधाइयां और संदेश दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि आलोक तिवारी हमारे पीछे खड़े हैं। सवाल हमारा इनसे रहेगा कि आलोक तिवारी जी, आप एक अभी ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि अगर 4 या 5 20 वोटों से चुनाव जीतेंगे सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, 500 से जीतेंगे, तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, सुना है हमने भी आपके, हमने बोला भी था तो हमें याद भी है। हाँ, हमने बोला था कि अगर भाजपा हमको टिकट देगी तो हम 500 के ऊपर से जीत के आएंगे। हम भी, आप भी, हम अपनी बात पे कायम। अगर भाजपा टिकट देती तो हो सकता है हम 1000 से जीतते, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया, हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। जनता ने जनादेश दिया हमें, जनता हमारा चुनाव लड़के हमको जिताई है। अच्छा, लोग जी क्या कहना चाहेंगे हैदरगढ़ की पहली जनता को, पहले बताइए जीत के बाद? जनता का मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमारे मान सम्मान की रक्षा की और यहाँ पे बाहरी शक्तियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया। जो कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजोए हुए थे कि रिमोट कंट्रोल से हैदरगढ़ चलेगा, तो हैदरगढ़ आत्मनिर्भर हो गया है, उन लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। आलोक तिवारी हैदरगढ़ के लिए क्या नया करने जा रहे हैं? सबसे पहले जो कुछ होगा आप खुद ही देखेंगे, कोई सोच? अब हमने तो अपनी बताया था कि जल निकासी और ये सब प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कुछ अब शपथ ग्रहण हो जाए उसके बाद जो है फिर हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। अच्छा आलोक तिवारी, एक सवाल हमारा रहेगा, हमेशा आप चुनाव में समर्पित प्रत्याशी की बात करते रहे कि मैं भाजपा का समर्पित प्रत्याशी हूँ, क्या समर्पित प्रत्याशी अब भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के रूप में, समर्थित चेयरमैन के रूप में काम करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग मोदी योगी की विचारधारा से बंधे हुए व्यक्ति हैं। भाजपा हमारे रोम रोम में बसी हुई है। जिला कार्य समिति सदस्य हूँ मैं वर्तमान समय में। हमने पार्टी छोड़ी कब थी और ना पार्टी ने हमें निकाला। नोटिस तो कुछ षड्यंत्रकारी दलालों ने भिजवाई थी, तो उनका षड्यंत्र फ्लॉप हो गया। जनता लग रहा है कि शपथ ग्रहण में आपके मंच पर जो है भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज देखे जा सकते हैं। सारे भाजपा के नेता आपको मिलेंगे और सबको मैं इनवाइट करूंगा, वही लोग शपथ ग्रहण कराएंगे। कल बड़ा ही रोचक मुकाबला था, क्या आप शुरू से कॉन्फिडेंस थे जब जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग बनाए रखी थी? 100% हम कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि सारे बेईमान एक हो चुके थे, तो जब बेईमान एक हो जाए तो समझ लो कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई आदमी ठीक ठाक होगा तभी तो बेईमान इकट्ठा होंगे, यूनियन बनाएंगे। अगर गड़बड़ आदमी होगा तो सारे बेईमान थोड़े एक होंगे। सारे बेईमान एक थे और आखिरी तक वो लोग षड्यंत्र करते रहे कि किसी तरह से सर्टिफिकेट इनको ना मिलने जाए, मिल पाए, रिकाउंटिंग कराई जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि टोटल गिनती में हम 25 वोट से चुनाव जीते हैं, 25 वोट से जीते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे इन लोगों ने अनैतिक दबाव बनवा के उसको 15 किया, 15 से 4 किया, और उसके बाद भी जब नहीं ख़त्म कर पाए मार्जिन, तो इन्होंने कहा रिकाउंटिंग का दबाव बनाना शुरू किया। अधिकारियों को बेइज्जत करने लगे, गाली गलौज, बड़ी बदतमीजी की। भाजपा के नेताओं को भी गाली दिया इन लोगों ने। यहाँ के जो तथाकथित दो नेता हैं हैदरगढ़ के, ये सारी भाजपा को अलग करके केवल अपने पूरा जिले में नेतागिरी करना चाहते। अच्छा सवाल, उस समय आपके साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ जनता खड़ी थी, आज भी खड़ी है। शासन ने आपका सहयोग किया था कि नहीं? हमने बताया कि जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। हमारे साथ हजारों समर्थक हमारे डटे रहे, मुस्तैदी थे। प्रशासन जो है इसकी वजह से कोई गलत इंटरफेयर नहीं कर पाया। अगर हमारे हजारों समर्थक बाहर न होते तो ये लोग जबरदस्ती जो है सर्टिफिकेट छीनने के चक्कर में थे। अच्छा, हाँ, भाजपा के षड्यंत्रकारी नेता थे उसमें। तो आपको लगा था, अच्छा आप किस पर
जनता पे विश्वास था कि हम जनता शुरू में विश्वास करते हैं। हमने तो आपको शुरू में कहा था कि जनता जनार्दन है, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अच्छा आलोक तिवारी लगातार जो ये बोल रहे थे कि हम चुनाव में मतलब लगातार जीत रहे, आपने इंटरव्यू के दौरान भी हमसे कहा था, तो ये आपका आत्मविश्वास बोला था, हमने पूछा भी था कि आलोक तिवारी आपके ओवर कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए था कि हमने काम किया था जनता के बीच में, हम नजर से नजर मिला के जनता से बात करते थे, जनता हमको रिस्पॉन्स देती थी। जिन लोगों ने काम नहीं किया, यहाँ डग्गा मारी की 5 साल हैदरगढ़ को चरागाह बनाए रखा, दूसरे ब्लॉक के लोग यहाँ सत्ता पे काबिज थे, अब उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अब मेरी तरफ से उनके लिए वार्निंग है, समय रहते सुधर जाएं। क्या होगा, अब जनता जो करेगी फिर होगा, फिर इसी तरह मुंह की खाएंगे। अच्छा चुनाव में हमारी तरफ से यही सुझाव है कि अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा अब हम निर्दलीय जीते हैं, जनता का जनादेश है, जनता के जनादेश का सम्मान है, जनता भगवान है लोकतंत्र के सम्मान में। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो एक है हमारे साथ आलोक तिवारी, इनसे खास बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से वीडियो की कटिंग करके उसको चलाई जा रही है, लेकिन साफ तौर पर मैं भी कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमारे लिंक पर जाइए, और हमने एक लिंक भी पेस्ट किया जिसपे हमने पूरा खास इंटरव्यू उनका किया था, जिसमें लगातार कह रहे थे अगर बीजेपी इनको टिकट देती है 500 से जरूर जीतते। इनका साफ तौर कहना है कि पहली मेन समस्या जो जल निकासी पर काम करेंगे, यूपी टीवी के लिए सुनिश्चित।